स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश रेड्डी नाम तो सुना ही होगा। नीतीश रेड्डी का नाम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। वो इसलिए भी क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में नीतीश रेड्डी ने 34 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेलकर बांग्लादेश की टीम को बहुत ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था और गेंदबाजी से भी नीतीश रेड्डी ने 2 विकेटें चटकाई थी। लेकिन आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि नीतीश रेड्डी के पीछे इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या को फिटनेस के रूप में बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। उनके पिताजी मृत्युलय रेड्डी ने इस बात का खुलासा किया है कि नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या के बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो करता है और हार्दिक पांड्या भी जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की फिटनेस है, वो भी एक ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और सेम नीतीश रेड्डी भी हैं कि वो बैटिंग भी करते हैं और गेंदबाजी से भी विकेट लेना जानते हैं। तो हार्दिक पांड्या को वो फॉलो करते हैं डाइट के उनके डाइट प्लान को बताए हुए और उनसे बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। उनके पिता ने ये बताया भी कि हार्दिक पांड्या से पहले जब वो स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, तब वो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उनकी फिटनेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब उनका जो मार्गदर्शन है वो हार्दिक पांड्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको और डिटेल में बता दें कि नीतीश रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे सीरीज के लिए उनका नाम आया था, लेकिन उनको फिटनेस की कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उनको वहां पे जगह नहीं मिली थी। लेकिन टीम इंडिया BCCI उनकी काबिलियत से वाकिफ थे, उन्होंने बांग्लादेश सीरीज़ में उनको मौका दिया और बांग्लादेश सीरीज़ में पहले मुकाबले में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में नीतीश रेड्डी ने 34 गेंद में 74 रन की शानदार पारी खेलकर ये बता दिया कि नीतीश रेड्डी को आप ज़्यादा दिन दूर नहीं रख सकते और 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए। नीतीश रेड्डी की फिलहाल उम्र 21 वर्ष है और वो आने वाले टाइम में भारत के लिए तीनों फॉर्मेट भी खेल सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर क्षमता नीतीश रेड्डी के पास है, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब स्पोर्ट्स नाउ को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।